दोनों लिफ्ट के बटन दबा दिए बट फिर भी लिफ्ट नहीं आई, तो मुझे फाइनली स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। Hey guys, welcome back to my channel Rollercoaster Life। तो मैं परिधि आज आपको लेके चल रही हूँ एक स्नीक पीक दिखाने के लिए मेरी लाइफ में। अभी मैं भागते हुए ऊपर से नीचे आई हूँ क्योंकि मुझे बिल्डिंग के नीचे यहाँ से पकड़नी है बस टू माय ऑफिस जो कि शॉप आती है 9:10 पे। अभी क्या टाइम हो रहा है, होगा जल्दी में घड़ी भी भूल आई, लेट्स सी 2 मिनट में आने ही वाली होगी। एक बार मैं आपको मतलब आपने नोट कर ही लियो, यहाँ पे ना बस ड्राइवर्स को, प्लम्बर्स को, कारपेंटर्स को या कोई भी मतलब स्किल लेवल को है ना इस तरीके के काम करने को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज्जत दी जाती है। मतलब एट द टाइम वी एंटर द बस एंड वी लीव द बस, सब ड्राइवर को विश करते हुए निकलेंगे, हाँ भाई थैंक यू हैव अ गुड डे, विच इज़ लाइक रियली क्यूट जेस्चर आई थिंक। मैं ये सोचती हूँ कि बेचारा ड्राइवर सबको विश करते करते थक जाता होगा। सामने व्हाइट लाइट है तो मैं दूसरी स्ट्रीट से जाने वाली हूँ। मतलब यहाँ आपका रास्ता फिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लाइक इफ यू हैव बीन टू जयपुर, मतलब जयपुर वाले तो जानते ही होंगे हमारे शहर बहुत सिस्टमेटिक बना हुआ है, चौखानों में कटा हुआ है गलियाँ, वैसे ही आगे गलियाँ हैं स्ट्रीट्स हैं। तो अगर मेरे को इधर जाना है और ये रास्ता बंद है तो मैं आगे से आराम से ईद भी जा सकती हूँ। यहाँ के सिटी के थिएटर्स हैं नॉट ओपनिंग ड्यू टू कोविड, सो ये एक रिक्वेस्ट है उन लोगों की तरफ से। आपको दिख रहा है यहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा तो पैदल चलने वाले क्रॉस कर लेते हैं फटाफट। अगर ऐसा कहता है ना कि खाली ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, वो फर्स्ट टाइमर या नए नए जो आते हैं उनके लिए रूल होता है, बाकी व्हेन यू आर लिविंग इन द सिटी यू गेट यूज्ड टू इट, अरे कार नहीं आ रही, ट्रैफिक नहीं आ रहा तो क्रॉस कर लो। बट द पॉइंट इज यहाँ पे ना वन वे ट्रैफिक होता है तो दोनों साइड से ट्रैफिक नहीं आता, एक स्ट्रीट में राइट से आ रहा है तो दूसरे में लेफ्ट से आएगा, सो दैट बिकम्स क्वाइट इजी। आज कुछ तो गड़बड़ हुई है, दिस रोड इज फुल ऑफ एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड, आई डोंट नो, ये जनरली ऐसी रहती नहीं है, मेरा ऑफिस बस यहीं पर है, मतलब यहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। In the basement of 62 building, mm-hmm. So like the boiler blow or there was a fire something in the basement. Oh, so someone got hurt? Yeah,
few people get hurt. Oh, really? ये ऑफिस के बिल्डिंग का डोरमैन था, इसे पूछा से मैंने पास वाली बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लग गई थी एंड कुछ लोगों को लगी है, बट मतलब ना यहाँ पे मैंने मेरे अपार्टमेंट में भी देखा है, हल्की सी स्मोक आती है ना फायर ब्रिगेड तुरंत आ जाती है, तो या दिस इज गुड बट स्केरी ऑल्सो. अच्छा बट ना मैं अभी ऑफिस पहुंच चुकी हूँ, तो अब मैं बाकी का ब्लॉग ऑफिस से निकलते टाइम शूट करूंगी, सो लेट मी डू हेयर. I left from office. आज मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि आपको विंटर्स को विंटर्स में टाइम्स स्क्वायर की बहुत प्यारी थी इवनिंग दिखूँगी. बहुत ज़्यादा क्यूट था माहौल रहता है, इट्स क्वाइट लिट अप, ऑल दो लोग ज़्यादा नहीं है बट माहौल काफ़ी अच्छा लगता है. बट सच बताऊँ तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सोचा था लेट वाली बस ले लूँगी बट अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है. इनफैक्ट घर जाकर डिनर प्रिपरेशन करने की भी हिम्मत नहीं है. अभी एक्चुअली ऑफिस रीशिफ्ट किया था, आई मीन रीशिफ्ट मतलब बैक साइड शिफ्ट किया था. बहुत ज़्यादा बड़ा ऑफिस था तो एक वॉल कंस्ट्रक्ट करी थी और यहाँ पे ना दीवारें अपने तो इंडिया में ईंट सीमेंट पत्थर की बनती है वैसी नहीं बनती, बनी बनाई दीवारें ड्राई वॉल्स मार्केट में मिलती है और वो लगती हैं. तो मैं आप थोड़ा सा बताती हूँ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, अब आगे जाके वीडियो देखें. तो पहले तो इन लोगों ने आकर नीचे सारे पेपर बिछा दिए और इसके ऊपर पुरानी इन्होंने चादर बिछा दी. डायरेक्ट चादर बिछाते तो वो स्लिप हो जाती, तो इसलिए पेपर लगा कर फिर चादर बिछाई. एंड देन आफ्टर प्लास्टिक कवरिंग ऑल द आइटम्स उन्होंने ये दीवार का फ्रेम बनाया है. चारों तरफ आई थिंक स्टील है या एल्यूमिनियम है, आई डोंट नो, ये फ्रेम बनाया है और बीच में ये लंबे डंडे लगाए हैं जिससे कि ये ड्राई वॉल, ये जो रेक्टेंगुलर ये बंदा लेकर खड़ा है ना, ये ड्राई वॉल है, ये ड्राई वॉल को सपोर्ट करे. तो वो इस साइड से भी ये ड्राई वॉल लगाएगा और उस साइड से भी जहाँ वो दूसरा बंदा ढांच लेके आ रहा है ना उस साइड से भी. ये देखो दिस इज़ ड्राई वॉल गाइज. हमारे इंडिया में ईंट और पत्थर की दीवारें बनती है, यहाँ इसका एक रेडीमेड मिक्सचर आता है. और हाँ, इस फ्रेम को ना पेच से सील नहीं किया है, बंदूक के पेच से सील किया है. मतलब आवाज़ सुनना अभी आप बिल्कुल ऐसी आवाज़ लग रही है जैसे दिवाली का बॉम्ब फूटा हो, इस फटाके की फूटी हुई गोलियाँ. आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ मेरे को देखने को मिली तो मेरे को लगा आप लोगों को भी बतानी चाहिए, एटलीस्ट डिफरेंस पता चले कि कौन सी कंट्री में कैसा काम होता है. मैं यहाँ हूँ तो यहाँ के बारे में बता रही हूँ. प्लीज़ यार नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा, कुछ आप बताना चाहते हो बोलना चाहते हो तो वो प्लीज़ नीचे कमेंट करना. और एक्चुअली थर्सडे वो मेरे पास जाने के लिए कोई वीडियो नहीं था, लास्ट वीकेंड कहीं जा नहीं पाए, सोचा था बट कहीं जा नहीं पाए थे. सो आई शूटेड दिस क्यूट लिटिल वीडियो जिससे आपको कुछ कंटेंट मिलता रहे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.